ओके सो हाय गाइस, फर्स्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो भी मैं बैकग्राउंड पिंजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वहाँ पर जाकर मतलब कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे बैकग्राउंड पिंजेस मिल जाएंगे। तो बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को पिक्सेल टाइप में ऐड करेंगे, देन आ जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे अपने मॉडल को, एंड जैसे आप अपने मॉडल को ऐड करोगे तो कैसे आपको कुछ स्टेप्स हैं आपको अपने मॉडल को जो यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड गाइस, इसमें जो आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी फोटो वो एक चेयर के ऊपर बैठ कर क्लिक करवानी है, एंड आपको बैकग्राउंड पीएनजी बैकग्राउंड का मतलब रिमूव कर देना, अपने मॉडल का पीएनजी बना लेना है, देन आपको स्टेप्स ऐड करना है। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जो है मतलब अपने मॉडल को यहाँ पे एक डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस आपको जो सारे स्टेप ध्यान से देखने हैं, ठीक है, जो जो मैं करूँगा वैसे ही करना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपने जो आपको डुप्लीकेट होगा उसको लेकर जाना इफेक्ट में, फिर उसके बाद चले जाना कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड वाइट में जाना है। ब्लैक एंड वाइट में जाने के बाद आपको उसका अमाउंट जो एकदम जीरो कर देना है। ठीक है, एंड जो इसका ब्लेंडिंग मोड है नॉर्मली रहने देना है, एंड कर देना डन। फिर उसके बाद जाना आपको इरेजर टूल में, एंड इसको कर देना इन्वर्ट, एंड ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद आपको नीचे से जो है बिल्कुल एकदम ऐसे पेंट कर देना है। ठीक है, यानी कि मतलब नीचे से डार्क बनाना है, मतलब एक शेडो टाइप बनानी है, एंड इसका अमाउंट जो है कम कर देना है। ठीक है, अब जो गाइस मैं इसको थोड़ा मतलब कि यहाँ से कुछ पार्ट जो है मेरे को इरेज करना है, तो यहाँ पे मैं इसका हार्डनेस फुल रखूँगा, एंड उसके बाद जो भी मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होगा सबको इरेज कर लूँगा। तो गाइस यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या करना है, अभी जो हमें एक डुप्लीकेट और बनाएंगे इसका, तो अभी हम क्या करते हैं तो इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं पहले। तो यहाँ से डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको उसको भी सेम साइज़ में रख देना है, एंड उसके बाद आपको चले जाना है ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में सेम, देन उसके बाद कुछ सेम चीज़ वही करनी है, बल्कि इसको ब्लैक एंड वाइट कर देना है। एंड ब्लैक एंड वाइट जब आप कर दोगे तो गाइस आपको ऊपर से मर्ज कर देना है, नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है, डन करना है, फिर कलराइज में जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से जो है मतलब कि येलो या ऑरेंज कलर, इन दोनों में से कोई कलर को ढूंढ लेना है। ठीक है, तो आप जैसे मतलब माइनस की तरफ रखोगे तो माइनस में आप लोगों को जो है यहाँ पे अराउंड 37 तक आप वो रख लेना है, एंड यहाँ से जो एक वाला जो पीएनजी इसको लेके आना है। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको ब्लेंडिंग मोड आपको चेक कर लेना है कि आपके फोटो में कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा लाइट के लिए तो हम यहाँ पे ऐड रखेंगे इसको। ठीक है, ऐड पे, एंड उसके बाद फिर इसको रिजल्ट में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद क्या करेंगे यहाँ से जो है हार्डनेस ओपेसिटी कम कर लेंगे, एंड जो ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे, एंड उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपको देख रहा होगा जी जो नीचे की तरफ जो लैम्प रखा हुआ है, ठीक है, एंड ऊपर की साइड में भी एक लाइट जल रही है, तो जो है हम इसको मतलब कि इसका जो इफेक्ट है हमारे ऊपर पड़ रहा है ये दिखाने के लिए, जो हम इसमें रियलिस्टिक लुक देंगे इससे। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ कर लेनी है। बाकी का सभी जो है फोटो का मतलब कि अभी हम लाइट रूम में भी रिटच करेंगे, अभी बहुत कुछ करेंगे, तो फोटो जो है काफ़ी मतलब कि अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप देखते रहना। तो आपको जो है कि अगर इसकी ओपेसिटी कम लगे तो आप डुप्लीकेट करके जो इसको ऐड कर लेना एक्स्ट्रा, एंड उसमें ओपेसिटी ज़्यादा लगे तो आप साइड से ओपेसिटी कम कर सकते हो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, अब आप लोगों को एक डुप्लीकेट और बनाना है इसका। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ पहले यहाँ पर। ठीक है, फिर बताता हूँ आपको आगे करना है। मतलब कि जैसे कि आपको देख रहा होगा लास्ट में मतलब कोने की साइड में क्या पे ब्लू ब्लू सा मतलब कि एक टोन है। ठीक है, पूरी फोटो में तो वो टोन तो हम डाल ही देंगे मतलब वो लाइट रूम ऐप में, बट एक टोन हमें इसमें अलग से भी देना है, मतलब कि जो बॉडी के ऊपर रिम लाइट क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले पूरा सा फील कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसका जो है कलर चेंज करना है, तो यहाँ से हम डन करते हैं, चलते हैं वापस इफेक्ट वाला ऑप्शन में, फिर यहाँ से जाएंगे, एंड इस पर कलराइज में जो ये वाला ऑप्शन कलर है यही वाला लेना है हमें। ठीक है, अब गाइस इसको रिजल्ट में जाके इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब कि पूरा रिमूव परफेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो अपन ने कर लिया। अब देखिए गाइस यहाँ से जो है हम साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। अब देखिए साइड साइड में जो हम इस तरीके से पेंट करेंगे। सो यहाँ तक हमारा जो है गाइस काम हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, अगर इसकी ओपेसिटी कम लगे आप लोगों को तो आप इसका अगेन इसका जो है मतलब कि एक्स्ट्रा ऐड कर लेना डुप्लीकेट करके, एंड यहाँ पे फाइनली। तो अब क्या करेंगे, इसको जो हमें सेव कर लेंगे, एंड इसको लेके चलेंगे लाइटरूम ऐप में, क्योंकि रिटच करके इसको हम और भी रियलिस्टिक बनाएंगे। तो अभी हम इसको फिलहाल सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लाइटरूम ऐप में डायरेक्ट ले चलते हैं। सो लाइट में अपन जाने के बाद गाइस आपको सबसे पहले करना है क्या, पहले इसकी लाइट को करेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लाइट में जाएंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट को जो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट को जो है कम कर देंगे, एंड जो शेडो है इसको इंक्रीज़ कर देंगे।
ठीक है, फिर जो ब्लैक्स है इसको भी कम कर देंगे और वाइट को थोड़ा सा इंक्रीज, फिर जाएंगे कलर्स में, वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड जो टेम्परेचर और जो सेचुरेशन होगा उसको थोड़ा माइनस एंड जो टेम्परेचर उसको थोड़ा माइनस, फिर कलर मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, लुमिनस बढ़ा देंगे यहाँ पे एंड फिर उसके बाद येलो कलर लेंगे, इसका जो ह्यू है इसको माइनस कर देंगे एंड इसका लुमिनस बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद फिर लेंगे यहाँ से डार्क ब्लू, डार्क ब्लू में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका ह्यू है उसको हम देंगे यहाँ पे डार्क ब्लू एंड ल्यूमिनस को कर देंगे माइनस एंड सैचुरेशन कर देंगे प्लस। अब कर देंगे डन। अब उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे करना है कि आपको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देना है, फोटो में डाल देना है विगनेट एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे, ठीक है नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे, नोड रिडक्शन बढ़ा देंगे, कलर नोड रिडक्शन बढ़ा देंगे एंड फाइनली हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।